दोस्तों, इस वीडियो मैच जो कवर करने वाले थाईलैंड वुमेन्स और जिम्बाब्वे वुमेन्स के बीच, जो कि आज का T20 मैच खेला जाएगा, आप देखोगे ना तो मैं बहुत दिन बाद, मतलब लिटरली बहुत दिन बाद, 6-7 महीने से मैंने कोई भी वुमेन मैचेस कवर नहीं किए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक्सपीरियंस कम हो गया है। बहुत ही अच्छा मैच आ सकता है आपके लिए। अब मैं वापसी कर चुका हूँ, डेली आपको ना हर एक मैच का आपको वीडियो जरूर से मिलेगा। ये जो मैच है ना, देखो T20 मैच, मैंने इसका वनडे मैच भले ही मिस किया था, बट जो मुझे जो अच्छे मैचेस लगे, मैं उसी उसी को आपको प्रिफेर कर रहा हूँ। आप इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। थाईलैंड और जिम्बाब्वे के बीच ये मैच है। ज़्यादा टाइम नहीं, इस मैच को स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे बच रहे। इसके बाद इस मैच की भी वीडियो प्रिव्यू आपको दे दूंगा, और इस मैच की भी, ठीक है। तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चाहे दूसरे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको डेडलाइन से 15 मिनट पहले हर एक मैच की फाइनल टीम फ्री में, आपसे 1 रुपया भी पे करने के लिए नहीं बोलता, फ्री में आपको फ्री में फाइनल टीम शेयर कर देता हूँ। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चाहे दूसरे ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। लिंक 100% काम करता है। तो टेलीग्राम चाहे जूस ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम चाहे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना। ये सोचना कि टेलीग्राम चाहे मिस कर जाएंगे, भाई मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और कमेंट बॉक्स में पिन, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। 100% ऑफिशियल टेलीग्राम चाहे ज्वाइन करना, फेक मत करना, ठीक है। मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स, आप उनसे दूर रहना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आपको सर्च करने का मन करे तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार में जाना, पहले ऐप ओपन करना और सर्च बार में जाके सर्च करना F11 टीम। F11 टीम लिखोगे ना इस तरीके से, F11 टीम, तो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। बिना स्पेस देख लिखना F11 टीम, तो आपको चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे 24,600 से ज़्यादा लोग हैं। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चाहे ज्वाइन करें, मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आ जाओ या फिर कमेंट बॉक्स के लिंक से आ जाओ। लिंक 100% काम करता है, ठीक है। तो ये जो मैच खेला जाए, देखो यार ज़्यादा टाइम इस मैच को स्टार्ट होने में, इसके बाद मुझे ना दूसरे मैचेस भी कवर करना। और एक चीज़ बता देता हूँ, वुमेन मैचेस में हमेशा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मतलब कि लास्ट मैच के स्कोर कार्ड मत देखो। लास्ट मैच के स्कोर कार्ड देखोगे तो इससे आप ही का फायदा है। देखो, मैं लास्ट मैच के स्कोर कार्ड पे फेक करूंगा। लास्ट मैच के स्कोर कार्ड से ना हमें कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट मैच के स्कोर कार्ड से हमें कन्फर्म पावर प्ले पता चल जाएगा, कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर हो जाएगा, जो भी डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं लास्ट मैच के स्कोर कार्ड पे फिक करूंगा। अभी जो मैं सेज कवर कर रहा हूँ वो T20 मैच है ना थाईलैंड का, तो इसी में ओपन करना चाहूंगा। वुमेन सुपर लीग, नहीं ये नहीं, ये रहा मैच, देख सकते हो आप, ये सेकंड T20 है, सेकंड T20। हम फर्स्ट मैच वैसे मिस किए, तो लास्ट मैच देखते हैं। लास्ट मैच के स्कोर कार्ड से ना कन्फर्म पावर प्ले हो जाता है कि कौन कितने ओवर में बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। तो हम ODI नहीं खेले थे, उसको साइड थे, फर्स्ट T20 देखना। विकेट सेम है, जो इस विकेट पे लास्ट मैच खेला गया था ना, सेम विकेट पे मैच खेला जा रहा है। विकेट पे कोई चेंजेस है, पिच सेम है, ठीक है। स्कोर कार्ड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आप बोलोगे कि स्कोर कार्ड देखकर टीम बनाएगा, ऐसा नहीं भाई, एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ, ठीक है। 6 साल से इस फील्ड में हूँ, कोई ऐसे ही नहीं हूँ, ठीक है, 6 साल से। और वो ऐसे मेरा फेवरेट मैचेस है वुमेन मैचेस, ध्यान सुनो। तो देखो, मैं सबसे पहले प्रिफे करूंगा कि आप जिम्बाब्वे के जो डाउट्स हो क्लियर कर लो। इनकी टीम दस से कैलिस नोडोल वो ओपन कर रही, टीम दस से सैन मेयर्स के साथ ओपन किया। मैं बता दूं, जो लोग नहीं जानते सैन मेयर्स के बारे में, ये जनरली उतनी इन्फॉर्म प्लेयर नहीं है, लेकिन लास्ट मैच 71 ने स्कोर की थी, तो हो सकता है बहुत लोग इनको पिक करके चाहे आप भी पिक करके लेके चली गए टीम दस से। उसके अलावा मैरी मुसुंडो, ये बहुत इन्फॉर्म प्लेयर, टीम से फोर ना बैटिंग तो करती है, मैरी मुसुंडो बहुत इन्फॉर्म प्लेयर, मैं पर्सनली जानता हूँ मैरी मुसुंडो। टीम दस फोर ना बैटिंग थे। नोकोमो जिम्बाब्वे का किसी भी प्लेयर से आप होप नहीं कर सकते, आप नोकोमो से कर सकते। जोस्पिन नोकोमो टीम दस से जेनिल इनफॉर्म प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से तगड़ी फॉर्म में रहती है, आप कवर करके चलिएगा। ये टीम दस से भले लास्ट मैच फिर ना बैटिंग की थी, बट ये टॉप ऑर्डर के प्लेयर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि विकेट टेकिंग नेचर प्लेयर, आप उनको एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन भी जा सकते हो, बहुत विकेट लेके जाती है, इंपॉर्टेंट है कि टीम दस से। उसके लिए एशलिन नेडल पे जो टीम दस से सीधा बैटिंग करने आई थी, तो ध्यान रखिए कैनिश नोडल वो ओपन करेगी सैन मेयर्स के साथ। उसके अलावा ट्रिप पार्टनर जो कि वनडे बैटिंग करेगी, और उसके अलावा फोर पे मैरी मुसुंडो फोर बैटिंग करेगी, और जोस्पिन कुमिस फिर बैटिंग करेगी। पावर प्ले देख लेते जिम्बाब्वे वुमेन्स का बैटिंग ऑर्डर के लिए, यहाँ पे सिवांडा ने स्टार्ट किए थे, 2 ही ओवर बॉलिंग किए, बट स्टिल इकोनॉमिकल अच्छी बॉलिंग की, 4 की इकोनॉमी से बॉलिंग की। उसके लिए नोकोमा में हमेशा बोलता विकेट टेक के नीचे प्लेयर, बट लास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं की। बट कैलिस नोडल वो देखो ओपन भी की, देखो कैलिस नोडल वो यहाँ से टीम दस से ओपन भी की, 9 रन ने स्कोर की, प्लस 4 ओवर बॉलिंग भी पाई टीम दस से। लास्ट मैच स्कोर कार्ड समय क्लियर हो, और 2 ओवर 2 विकेट भी लेके गई, 4 ओवर बॉलिंग के 2 विकेट लेके गए। उसके ऑर्डरी जो टीम दस से 4 ओवर बॉलिंग पाई और 4 विकेट ले गई टीम दस से। ऑर्डरी टीम दस देखोगे तो 4 ओवर बॉलिंग की 4 विकेट लेके चले गए। उसके लॉरेन तस्मुना जो टीम दस, लॉरेन तस्मुना जो टीम दस से 4 ओवर बॉलिंग की 1 विकेट लेके गई टीम दस से। उसके अलावा मैरेंगे जो कि बहुत अच्छी प्लेयर है, जोकोविन नोकोमा के बाद अगर कोई नोकोमा के बाद कोई अच्छा प्लेयर आता है ना, जोस्पिन नोकोमा के बाद कोई दूसरा सबसे बेस्ट ऑलराउंडर, तो मैरेंगे का नाम आता है, काफी अच्छी प्लेयर टीम दस से। पैरिस जो मैरेंगे आप कवर करके चलिए, 4 मैचेस 4 ओवर बॉलिंग की थी और 2 विकेट लेके गई थी, एक मस्ट पिक होनी चाहिए। तो जिम्बाब्वे का बैटिंग ऑर्डर क्लियर हो गया, पावर प्ले भी क्लियर हो गया, ठीक है। नोकोमा टीम से सिर्फ 2 ही ओवर बॉलिंग किया, ये चीज़ अच्छा नहीं लगा मुझे बस। उसके अलावा
थाईलैंड वुमेन की बात करें तो थोड़ी फेवरेट हो सकती है। इनकी टीम दस है, नैनपैथ ओपन कर रही, अभी भी विकेट कीपिंग कर रही, टेस्ट ओपन कर रही। टीम दस है किसके साथ ओपन की, चैटनम के साथ ओपन की। चैटनम जबरदस्त प्लेयर उसे टीम दस है। नैनपैथ ज्यादा इनफॉर्म प्लेयर विकेट कीपिंग करती है नैनपैथ, और ओपन भी करती है टीम दस है। चैटनम के साथ ओपन करेगी, चवाई वर्ना बैटिंग कर रही टीम दस अभी, और टीम से कैप्टनसी कर रही। जनरली वर्ना बैटिंग करती है, टॉप ऑर्डर की प्लेयर है, लेकिन कभी भी फॉर्म में रहती नहीं जनरली। उसके अलावा चनीदा जो कि जबरदस्त फॉर्म में चल रही थी, फोर ना बैटिंग तो कर रही है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों करती चली था, जो बस फॉर्म में चल रही थी मलेशिया T20 कप में, आपको याद होगा ये चीज़। आप देखो लास्ट टाइम आपने वैसे अगस्त में खेली तो आपको पता होगा, जबरदस्त फॉर्म में चल रही थी। उसके लिए नटाया जो कि टीम से डेथ हो स्पेशलिस्ट है, डेथ में बॉलिंग करती है, बट लास्ट मैच है ये टीम दस इंप्रेसली फिर ना बैटिंग करने आ गई थी। उसके अलावा कुनू भी है, रोशेना कुनू भी जो टीम दस से सीधा बैटिंग करने आ गई थी, माया वगैरह भी है, बट इन सबको साइड तो लोआमी डेथ हो स्पेशलिस्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से डेथ में नटाया बॉलिंग करेगी। ठीक है, लोअमी भी अच्छा फॉर्म में चल रही है, इसे तो ओनिचा भी अच्छा फॉर्म में चल रही है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इनके थाईलैंड वुमेन का पावर प्ले। ठीक है, तो चनीदा टीम दस देखोगे तो 2 रन बैटिंग भी की थी और 3 ओवर बॉलिंग पाई, एक विकेट ले गई टीम दस से, ज़्यादा देखो अच्छी प्लेयर रहती है चनीदा। उसके लिए चाहे उसके नटाया जो कि टीम दस से फिर ना बैटिंग भी करने आई थी, 4 ओवर बॉलिंग पाई, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, एक विकेट ले गई टीम दस से। उसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे 4 ओवर बॉलिंग पाई बट फिर भी विकेट लेस चली गई टिपाचा टीम दस से, टिपाचा विकेट लेस चली गई थी। उसके अलावा ओनिचा जो टीम से जबरदस्त प्लेयर है ये भी विकेट ले चली गई, बट अच्छी ऑप्शन है ट्राई करके चल सकते हो। लोआमी भी जबरदस्त प्लेयर बट ये भी विकेट ले चली गई। तो लास्ट मैच के स्कोर कार्ड से हमें क्लियर हो गया कि जो बंदा ओपन, मतलब देखो जो ओपन कर रहे हैं वो कितने ओवर बॉलिंग कर रहे हैं और कौन कितना अमाउंट में बॉलिंग कर रहे, ये भी क्लियर हमारा हो गया। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है वुमेन मैचेस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था ये जो भी मैंने कवर किया हो ना। आप कितना भी स्टैट्स देख लो, जब तक आप ये चीज़ नहीं देखोगे ना आप कुछ नहीं समझ पाते। ठीक है, आपको अफसोस तो जैसे मैंने कहा पूरे 10 ओवर पूरे 4 ओवर बॉलिंग पाई कि कैप्टन कर दो, बट लास्ट में सिर्फ 2 ही ओवर बॉलिंग की थी, तो ये चीज़ भी कि हमें देखना पड़ता हम लोगों को यार। बाकी टेलिया पे जो उस अपडेट करूंगा तो टेलिया जहाँ पे एक्टिव रहना है, जहाँ पे 24,600 से ज़्यादा लोग एक्टिव रहे, अब देखो वापसी कर चुका हूँ, हर एक मैच की आपको विनिंग टीम मिल जाएगी, तो एक्टिव रहना। एंड अब बात करते हैं प्लेयर वाइज सेंस से, उससे पहले पैन टू पे पे जो से खेलना, पैन टू पे पर आप इजीली विन कर दो। देखो बाकी उस पर क्या होता है कि कंपटीशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे आपको प्राइजेस कुछ नहीं मिलता, और बाकी उस पर अगर आपको लॉस होता है तो आपको 1 रुपया पे वापस नहीं करता, बट पैन टू पे पर अगर आपका महीने भर में अगर 50,000 का लॉस होता है या फिर 1 लाख का लॉस होता है, फिर 2 लाख का लॉस होता है, तो आपको उसका 10% आपको वापस कर दिया जाएगा आपको वॉलेट में। और यही नहीं, पैन टू पे पर आप 2 सेकंड के अंदर आपके जो विड्रॉल्स है वो क्लियर हो जाते हैं, 2 सेकंड के अंदर ही आपको क्लियर हो जाते हैं। तो अभी आपको प्ले वाइज सेंस से देख पर ट्राई जो से करना, पैन टू प्ले 100% इंडियन ऐप है और 100% जेन्युइन 100% ट्रस्टेड ऐप है। ट्राई जो से करना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, उस पर क्लिक कर डाउनलोड कर लेना, रेफर कोड ऐप फिर उसका क्या बेस्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी लाइव है, जिससे फर्स्ट प्राइस 60,000 है, सेकंड प्राइस 30,000 और थर्ड प्राइस 15,000, इसी तो टोटल 75 विनर्स है, इजिली विन कर जाओगे। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड का मतलब बस आपको वो पैसा लगाना है, 30 तारीख तक लीडर बोर्ड मतलब क्या है, 30 तारीख को एंड हो जाएगा, तो आपको उतने तक बस पैसे लगाते रहना है। जो बंदा सबसे ज़्यादा पैसा लगाएगा उसे मिलेगा अलग से आपको 60,000 रुपये, अगर आप विन करते हो तो आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा 30 तारीख तक। बात करें विकेट कीपर सेशन लेकर, उससे पहले दोस्तों वीडियो जूस लाइक, मोटिवेशन मिलता है प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर देना। मैं लॉस के लिए टीम बनाता हूँ, कोई भी सिलेक्शन मैच पर नहीं जाता हूँ, आपको एक लॉस के लिए टीम दूंगा जिससे आप एक सेफर टीम दूंगा। ठीक है, जिससे आप विन भी करोगे। तो देखो नैनपैथ एक अच्छी प्लेयर है, जनरली टीम से फॉर्म में रहती है, विकेट कीपिंग भी करती है, काफी जबरदस्त प्लेयर, इंप्रेस करके आपको दे देगी बैटिंग से। वो जो अजी कुछ खास प्लेयर है नहीं, तो साइड रखिए ये सभी स्मॉलिंग लिए परफेक्ट पिक बिल्कुल भी नहीं है। नैनपैथ के साथ हो जाओ ग्रेनेड टीम में कैप्टन भी कर ले सकते हो। बता दो इस विकेट पर स्पिनर्स को टर्न मिलता है, ठीक है, स्पिनर्स को टर्न मिलता है, तो अपने टीम जो मेन स्पिनर्स था उनको जो पे कर रहा। सैम मेयर्स जो टीम दस लास्ट में 71 रन तो स्कोर की थी बंदी ने, चलो 71 रन मार दी, चलो ठीक है, लेकिन ये तो नहीं उतनी ज़्यादा इनफॉर्म प्लेयर नहीं है। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ जो ग्रैंड लेवल उन ड्रॉप करके चल सकते हैं, बट मैं पिक कर रहा हूँ, बता देखो मैं पहले बोल रहा हूँ ये बैटिंग बॉलिंग नहीं कर, इसलिए बैटिंग करती है ओपन करती है मैयर्स, लेकिन बॉलिंग नहीं पर बॉलिंग नहीं करती है, तो ध्यान रखिएगा इसको कैल मेयर्स समझ के मत पिक करो, ये सैन मेयर्स है। ये जनरली टीम दस मतलब हिट टाइप की प्लेयर है, लेकिन बहुत ही कम मैचेस चलती है। उसके अलावा मैरी मुसोंडो टीम दस से 4 ना बैटिंग करें, अगर आप मेयर्स को ड्रॉप कर तो मैरी मुसोंडो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी आपके लिए। उसके लिए चटनम भी जबरदस्त फॉर्म में चल रही, तो मैं चवाई और चटनम को पिक कर रहा हूँ, आप उसके लिए मैरी मुसोंडो को पिक कर सकते हैं या फिर कोई टीम में सैन मेयर्स को पिक कर, मैं सैन मेयर्स के साथ जा रहा हूँ, आप मैरी मुसोंडो को चांस दे सकते, बट अगर आप चाहो तो इस ऐप पे मिनिमम 2 बैटर्स के साथ जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि 3 पिक करो, आप 2 के साथ भी जा सकते हो। उसके अलावा कुछ खास थोड़ा नीचे बैटिंग है इसको भी साइड रखते हैं। उसके अलावा उन्होंने कैलिस टुंडुल, वो देखो टीम दस से क्या है कि ये टीम दस से, एक सेकंड को रुको एक चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ, आपको एक छोटा सा डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है, कैलिस टुंडुल वो और इनके वेट है, देखो कैलिस नूडल वो ये जो प्लेयर है टीम से जिसको बहुत कम लोग पिक करे, कैलिस नूडल वो टीम दस ये
बहुत लोग पिक कर रहे हैं, ये टीम दस ओपन भी कर रही है और 4 ओवर बॉलिंग पा रही है, इनको कवर करके चलेगा ठीक है। उसके अलावा मैंने ये जो कोई बता दूँ, ये जबरदस्त प्लेयर, आप अगर बोलोगे कि जिम्बाब्वे का कोई सबसे अच्छा दूसरा कोई ऑलराउंडर है जोस्पे नोकोमे के अलावा ठीक है, जैसे नोकोमो है, इससे अगर कोई दूसरे नंबर पर कोई अच्छा ऑलराउंडर आता है तो पी मैरेंगे टीम से, पारिसी को मैरेंगे टीम से जबरदस्त प्लेयर, इनको कवर करके चलेगा, जब ये नहीं खेलती ना तो ये तगड़े फॉर्म में आ जाती है, तो कवर करके चलेगा टीम से ओवरऑल काफी चीज। चनीदा वर्नर बैटिंग कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, वर्नर बैटिंग भी कर रही है चनीदा, वर्नर की टू रन बैटिंग कर रही है, नहीं टू रन बैटिंग कर रही है, प्लस न्यू वर्स स्टार्ट कर रही है फर्स्ट पावर प्ले में, देखो चनीदा न्यू वर्स स्टार्ट कर रही है फर्स्ट पावर प्ले, आप कैप्टन कैप्टन में जा सकते हो। नटाया फिना बैटिंग भी कर रही है और डेथ में बॉलिंग भी कर रही है और 4 ओवर बॉलिंग पा रही है और टीम दस से जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। एस्टन डिलीवर बता दूँ क्या है, नोकोमो इंपॉर्टेंट है, तो मैं 5 ऑलराउंडर प्रिफेयर कर रहा हूँ और मैं 5 को पिक कर चुका हूँ ठीक है। ये 5ों में से आप एक को भी स्मॉल टीम में ड्रॉप नहीं कर सकते, देखो क्योंकि देखो ये सभी सभी बॉलिंग करेंगे, सभी सभी ऑलमोस्ट 4 ओवर बॉलिंग करने ही करने सभी को, इसलिए प्रिफेयर कर रहा हूँ पिक करके चलो ठीक है। उसके अलावा बॉलिंग से देखो लोग बहुत लोग इनको ट्राई नहीं करेंगे, जैसे एसलॉ में ट्राई तो कर रहे थे, छोटी अच्छी बात है, सिवाना बहुत कम लोग ट्राई कर रहे हैं, बट आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, टीम में सिवाना टीम से न्यू से स्टार्ट करती है टीम से जनरली, और आप चाहो तो अपनी टीम में जगह दे सकते हो ठीक है। मैं एज अ परफेक्ट करूँगा सिवाना परफेक्ट करूँगा, लेकिन लास्ट में सिर्फ 2 ही ओवर बॉलिंग पाई थी, ये भी एक दिक्कत ही है, बट फिर भी अच्छी प्ले टीम में सब कवर करके जा सकते हो। लोग ज़्यादा तो लोग 67% लोग इनको ट्राई करें क्योंकि लास्ट में 4 विकेट लिए, बट ये चीज़ फर्क नहीं पड़ता कि लास्ट में 4 विकेट लिए तो इसमें विकेट लेके चले, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रेफर करूँगा सबसे पहले लोआमी को पिक कर लो, लोआमी के बाद पिक कर लो मेरी टीम है एंड्रे को पिक करो ठीक है। ओवरऑल स्मॉल के लिए टीम बन चुकी, बता दूँ ये स्मॉल की टीम है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मैं एक लॉजिकली टीम बनाया हूँ, कोई भी सिलेक्शन भी इस पर नहीं किया हूँ, इस टीम में बहुत से चेंजेस मैं करूँगा क्योंकि मैं पर्सनल एक रिस्क टेक करूँ और अपने देखो जैसे मुझे पता है यहाँ पे ये जो है 4 विकेट लास्ट में चली थी यहाँ पे एड्रे ने ठीक है, 4 विकेट ली थी, तो हो सकता है इस वजह से कुछ ना कर पाए, तो हो सकता है इनकी जगह पे ड्रॉप करके इनको ट्राई कर उनकी जगह पे, जैसे मेरा मन था माया बहुत अच्छी प्लेयर है फनीता माया, या फिर ट्राई कर सकते हैं टिपाचा को, ये भी 4 ओवर बॉलिंग पाई थी, उनीचा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप चाहो तो उनीचा को चांस दे सकते टीम में। अगर आपको थाईलैंड अगर आपको लग रहा है कि विन करेगी, थाईलैंड विन कर भी सकती है, तो आप यहाँ पे उनीचा को पिक कर सकते हो, उनीचा जबरदस्त बैटिंग भी करती है ठीक है, उनीचा आप अपनी टीम में परफेक्ट कर सकते हो। साइड मैच की जगह पे अगर आप चाहो तो किसी और को भी पिक कर सकते हो, जैसे कि आप एक बॉलर को पिक कर सकते हो उनीचा, या फिर आप कोई भी एक और बॉलर को परफेक्ट कर सकते हो, एक और बॉलर बता दो मैं, उनीचा एक थर्ड सबसे बेटर ऑप्शन है, या उसके लिए फनीता माया ठीक है, ये 2 सबसे बेटर ऑप्शन है, उनीचा सिवाना थर्ड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये ठीक है। सिवाना जनरल फॉर्म प्लेयर विकेट टेकिंग है, फिलहाल स्मॉल के लिए परफेक्ट टीम है, मैं टीम में इनको ड्रॉप कर सकता हूँ बस ठीक है, उनीचा को पिक कर सकता हूँ। कैप्टन सेटर बात करें तो बहुत लोग इनको ही ट्राई करेंगे, कैलिसन डोल्वो भाई ओपन भी कर रही है, 4 ओवर बॉलिंग पा रही है, एक अच्छी ऑप्शन है कि टीम में से ओपन भी कर रही है, 4 ओवर बॉलिंग भी पा रही है, लेकिन उसके अलावा नोकोमो भी बहुत सही रहेगी, नोकोमो और नटाया ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन है, जब ग्रैली टीम में आप नोकोमो और नटाया को जूस कर लीजिएगा, चनिंदा भी अच्छी रहेंगी। मैं एज ए कैप्टन जा रहा हूँ फिलहाल के लिए, चनिंदा के साथ जाने का मन बहुत था मेरा, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ अपनी टीम में, साइन मैच का नहीं, हमें ट्राई करना है अपनी टीम में एक ऑलराउंडर जिसका नाम है कैलिस नूडोल्वो टीम दस ठीक है, नूडोल्वो को करना है मैंने टीम कैप्टन बता दूँ। नूडोल्वो देखो बैटिंग उतनी अच्छी नहीं करती बट बॉलिंग अच्छी कर लेती है ठीक है, ध्यान रखिए मेरा मन था चनिंदा के साथ कैप्टन जाने के लिए, मुझे कमेंट होता है चनिंदा के साथ कैप्टन जाए, बहुत अच्छी तगड़ी प्लेयर है यार चनिंदा, तो आप चनिंदा के साथ भी कैप्टन जा सकते हो, अगर आप चाहो तो सीवी से रिवर्स कर सकते हो ठीक है। मैं कैलिस नूडोल्वो कैप्टन गया हूँ बस, इसके चनिंदा के साथ गया हूँ, बट अगर आप चाहो तो सीवी से रिवर्स कर सकते हो, या फिर नटाया को ट्राई कर सकते हो, नटाया भी जबरदस्त है, नटाया बॉलिंग अच्छी करती है, बैटिंग कुछ खास नहीं करती बट बॉलिंग डेथ में बॉलिंग करती है, काफ़ी अच्छी ऑप्शन है ये। चैटना मचवाई दोनों को कवर करके चला हूँ आज बहुत दिन बाद अपनी टीम में, ओवरऑल स्मॉल की टीम बन चुकी है, सेम टीम के साथ आप कॉन्टेस्ट बुक कर दे, देखो स्मूथली टीम बन जाती है फैंटो प्ले पे, सेम टीम के साथ जाके कॉन्टेस्ट बुक कर, स्मॉल की परफेक्ट टीम है, देखो एक लॉजिकली टीम है, आप जहाँ चाहो वहाँ भी यूज़ कर सकते इस टीम को, बट फैंटो प्ले पे खेलने का फायदा है, अगर आप यहाँ लॉस भी होते तो आपको 10%, जी हाँ 10% आपको वापस कर दिया जाएगा, महीने भर में जैसे 50 का लॉस हुआ तो 10% आपको वापस कर दिया जाएगा वॉलेट में, इसलिए बोलते फैन टू प्ले बेस्ट है, ये 10% से वापस करते क्योंकि यहाँ पे विनिंग बहुत ज़्यादा होता है, एक बार ट्राई उसे करना। देखो सैन मैट से आप कैप्टन मत, कुछ गलती है आप मत करना, मैं बताता हूँ सैन मैट्स को कैप्टन मत करना, जो चाहो ड्रॉप भी कर सकते हो, अगर जो रिस्टेक करे इनकी जगह पे मैरी मुसुंडो को पिक कर सकते हो, बहुत तगड़ी इनफॉर्म प्लेयर है मैरी मुसुंडो, उसके नकोबा भी बहुत अच्छी प्लेयर, आप इनको भी वाइस कैप्टन कर सकते थे ठीक है, उसे नटाया को भी कर सकते थे। उसके लिए चवाई चैटना को ये जो बॉलिंग बैटिंग, देखो बैटिंग ही करेंगे बॉलिंग करेंगे नहीं, इसलिए प्रेफर नहीं करना, 9 पर विकेट कीपिंग करेगी। उसके अलावा आपकी टीम में लोआमी इंपॉर्टेंट है कि टीम दस है, तो आप लोआमी को भी कवर करके चलिएगा, ओवरऑल स्मॉल टीम बन चुकी, सेम क्वार्टर्स बुक कर लो, जब तक पैन टू पे यूज रजिस्टर कर लेना ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से डाउनलोड कर लेना, ऑटोमेटिकली रेफर कोड ले लेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से डाउनलोड कर लेना,
बाकी स्मॉल लीग परफेक्ट टीम, ठीक है, T20 के हिसाब से परफेक्ट टीम बनाया, कोई भी कमी नहीं इस टीम में। चनिंदा वाइस कैप्टन जाना, एक छोटा मतलब रिस्क लूंगा, छोटा बड़ा एक रिस्क मैं जरूर लूंगा, ताकि एक तरफा विन करे यार, मैं एक तरफा विन करना चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना।